मध्य प्रदेश में बरसात के दिनों में कई ऐसे गांव हैं जहां से आवागमन बाधित होने की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक गांव है रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत सिद्धा ग्राम पंचायत के ग्राम नेवरिया की बहुचर्चित सड़क, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज दिनांक तक ग्रामीणों के लिए आने जाने का रास्ता ही नहीं है। जी, हमारा नाम राजेश कुमार त्रिपाठी है। हम ग्राम नेवरिया के निवासी हैं जो सिद्धा पंचायत अंतर्गत आता है। और आज इतने वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई भी पहुंच मार्ग नहीं है। और अब जाके थोड़ा प्रयास किया गया जिससे शासन द्वारा स्वीकृति मिली, लेकिन राशि नहीं आवंटित हो पाई। जिला पंचायत में कहाँ क्या गड़बड़ी है, वहाँ से राशि नहीं मिल पाई, इसलिए हमारे गांव की रोड आज भी अधूरी पड़ी है। जिससे अब बरसात आ गया तो लोगों को यहाँ से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी बरसात में काफ़ी खतरनाक तरीके से रोड तक पहुँचते हैं। बारिश में चारों तरफ खेत भरे हैं, कहीं गिर जाएँ उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन शासन प्रशासन का बिल्कुल भी कोई ध्यान इधर नहीं है। इस बात को लेकर पिछले कुछ वर्षों से नेवरिया के ग्रामवासियों ने आवाज उठाई है, लेकिन भ्रष्ट शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, जिसका नतीजा यह है कि बरसात दर बरसात बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कीचड़ से तैर कर पार कर रहे हैं। बताया गया है कि पहले जमीन को लेकर के समस्या थी, जहां निजी जमीन होने के कारण रास्ता बाधित था, लेकिन अब तो जमीन भी सरकारी करवा दी गई है, फिर भी जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा सड़क की स्वीकृति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। इस विषय पर जब जिला पंचायत सीईओ से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शासन स्तर से ही लगभग 35 सुदूर सड़कें रुकी हुई हैं, जिसकी स्वीकृति न मिल पाने के कारण नए निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर भाजपा सरकार किस विकास की बात कह रही है, यदि ग्रामीणों को 77 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त से आज तक आवागमन का रास्ता नहीं मिल पाया है तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा जब ग्रामीणों से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। हम आपको बता दें कि नेवरिया ग्राम से वर्तमान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का भी गहरा नाता है, यहाँ उनके पिता का ननिहाल भी है। मेरा नाम निश्चित त्रिपाठी है, मैं ग्राम नेवरिया का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम पंचायत सिधा है, जो विकास खंड गागेव के अंतर्गत है। अरे नेवरिया गांव से 1 किलोमीटर रोड है जो नेशनल हाईवे लाल गांव कटरा है, लेकिन आज तक पहुंच मार्ग नहीं हो पाया है। और हम लोगों ने ज़मीन को भी शासकीय करवा दिया है आने जाने के लिए, लेकिन अभी तक शासन ने उसका पैसा स्वीकृत नहीं किया है जो जिला पंचायत में रखा हुआ है। और आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, वृद्ध महिलाओं के लिए, सियानों के लिए, जो गर्भवती औरतें हैं उनको लिए के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो शासन से ही अनुरोध किया जाता है कि इस पर संज्ञान रखें और ध्यान देकर के इसका कार्रवाई करवा करके इस रोड को बनवाएं हैं। यही हमारी मेरी अनुमति है। रोड की बहुत बड़ी समस्या है। रोड तो मतलब जब से हम मतलब आप 70-80 वर्ष पहले से रोड यहाँ नहीं है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक रोड ही नहीं है। तो आप लोगों का कैसे व्यवस्था बनता है? अरे हम लोग तब जेल में पड़े हुए हैं, क्या करें, कैसे क्या, यहीं आदमी मर जाता है, हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाता है। बच्चों की क्या दिक्कत, बच्चों की ये पढ़ाई लिखाई कितनी बड़ी दिक्कत है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी है, कहीं रोड नहीं है, कहाँ गिरते पड़ते, हाथ पैर टूट रहा है बच्चों का, बड़ी प्रॉब्लम है। ये पता चला है कि आप लोगों ने इसको अत्यजन भी करवा दिया है पूरी? अत्यजन अब सरकारी जमीन करवा दिए हैं, कुछ हो गई सरकारी जमीन, फिर भी आगे पहल नहीं हो पा रही है। अच्छा जी,
तो बताया जा रहा है कि ये फाइल वगैरह कहीं कलेक्ट्रेट वगैरह में फाइल कलेक्टर के यहाँ तक पहुँच गई है। अब वहाँ से क्या होता है कोई अभी सुनवाई तो क्या दिक्कत, वो आप लोगों की समस्या नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं तभी ना हम लोग यहाँ परेशान हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे क्या करें, अब आगे अब लगे हुए हैं किसी तरह से कैसे हो जाए। यदि ये रोड नहीं बनती तो आप लोग क्या बड़ा आंदोलन करेंगे आगे? बिल्कुल बड़ा आंदोलन करेंगे।